बच्चों हम कर रहे हैं लेक्चर 216 और ये है हमारा चैप्टर 10 सर्कल्स। हमने एग्जाम्पल 2 तक सॉल्व किया था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और जो कम अपकमिंग बोर्ड्स हैं, जो मतलब ऑब्वियसली कोविड-19 ईयर है, सो इन बोर्ड्स में ये जो है पूरा चैप्टर है, नो डिलीशन इन दिस चैप्टर। सो एग्जाम्पल 3 करेंगे हम, जो कि है पेज 212 पे। सो पेज 212 है। सो एग्जाम्पल 13 का स्टेटमेंट, एग्जाम्पल 3 का स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या मांग रहा है, क्वेश्चन क्या है। सो एग्जाम्पल 3 में पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो फिगर को बहुत बुरा हाल बनाया गया है। सो फिर भी आई हैड मेड इट इन द पेपर, बट ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट। देखो पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी एंड क्यू पे जो टेंजेंट्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ टी पी, आपको टी पी फाइंड करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, फिर से देखें क्या दिया हुआ है। पी क्यू कॉर्ड है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट्स पी और क्यू पे हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं टी पे। सो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ टी पी। सो ये जो लेंथ है टी पी, टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो मैंने ये फिगर बना दी है, जस्ट सी द फिगर, ठीक है। सो ये फिगर बनाई है एग्जाम्पल 3 की। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये टी पी। पी क्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 दी हुई है, ठीक है। ये ओ टी को हमने ज्वाइन कर लिया। सो हमें टी पी फाइंड करना है। सो लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स, जो फाइंड करना है उसको एक्स सपोज करो। लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स, और टी आर को, टी पी एक्स है और ये टी आर है, इसको क्या सपोज करें, वाई। देखो टी पी और टी क्यू इक्वल होता है, टी आर नहीं होता है। सो लेट एंड टी आर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो ये इसको एक्स सपोज करेंगे और इसको सपोज करेंगे वाई, ठीक है। सो यहाँ देखो, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये देखो ये इस तरह से परपेंडिकुलर आ रहा है। सो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री। देखो इस तरह से ये परपेंडिकुलर कट रहा है। सो इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी, सो इन ट्रायंगल पी आर टी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एंगल आर 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो पी टी स्क्वायर या टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। सो टी पी क्या है, एक्स स्क्वायर, पी आर क्या है, अब यहाँ देखो पूरा पी क्यू 8 है, पूरा पी क्यू क्या है, 8 है। सो पी आर क्या होगा, 4, और आर क्यू भी क्या होगा, 4, ठीक है। सो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। सो देखो ये पी क्यू टोटल 8 है। सो पी आर क्या हुआ, इसका आधा हुआ, क्योंकि ये देखो ये जो ओ टी है ये बायसेक्ट कर रहा है पी आर को। सो देखो टोटल 8 है, सो ये भी 4 होगा, ये भी 4। तो देखो ये पी क्यू पूरा 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, पूरा 8 है, पी क्यू पूरा 8 है। सो जब इसका आधा करेंगे तो पी आर भी 4, आर क्यू भी 4, पर फिर हमारा काम अभी खाली पी आर का ही है। सो पी आर की जगह क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर प्लस आर टी क्या है, सो आर टी हमने सपोज किया वाई स्क्वायर। सो देयर फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, इसको बॉक्स बना दो, ठीक है। अब ट्रायंगल पी आर टी हो गया, पी आर टी, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी आर ओ। सो इन ट्रायंगल पी आर ओ, एंगल आर 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर ओ, सो पाइथागोरस थ्योरम
पी ओ स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, ठीक है। सो पी ओ स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। सो पी ओ स्क्वायर क्या दिया हुआ है? फाइव स्क्वायर। पी आर क्या दिया हुआ है? फोर स्क्वायर। और आर ओ फाइंड करना है। सो फाइव स्क्वायर है 25, फोर स्क्वायर है 16 और आर ओ स्क्वायर। सो देयरफॉर 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर ओ स्क्वायर। सो 25 में से 16 गए 9। सो देयरफॉर आर ओ इज इक्वल टू 3, ठीक है। आर ओ इज इक्वल टू 3 हुआ, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, आर ओ 3 मिल गया। अब कौन सा, देखो आर ओ क्या मिला, 3 अभी अभी हमने फाइंड किया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, टी पी ओ। आपको पता होगा ये जो रेडियस है टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो ट्रायंगल टी पी ओ। सो इन ट्रायंगल टी पी ओ एंगल पी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। टी पी ओ, ठीक है। सो टी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। टी ओ स्क्वायर ओ पी स्क्वायर, ठीक है। सो टी ओ स्क्वायर क्या होगा, टी ओ क्या है, वाई प्लस 3, ठीक है। सो देयरफॉर वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर टी आर और आर ओ। सो वाई प्लस 3 इज इक्वल टू पी टी क्या है, टी पी है एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी क्या है, फाइव स्क्वायर, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर। वाई प्लस 3 मतलब इसको सॉल्व करेंगे, वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी पता है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, वो वाली लगा देंगे। सो ए प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा 25, ठीक है। सो यहाँ पे वाई वाई 3 3, ठीक है। सो देयर फोर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 3 जा 6 वाई प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 प्लस वाई स्क्वायर, सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। सो आप कट करेंगे, आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह 16 प्लस वाई स्क्वायर डाला, एक्स स्क्वायर की जगह 16 प्लस वाई स्क्वायर। सो देखो वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। सो क्या रहा, सो देयर फोर 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16 प्लस 25 कितना होगा, सो 25 35 40 41, ठीक है। सो देयर फोर 9 उधर जाएगा तो माइनस होगा। अच्छा ये क्या करा हमने, सिंपली देखो यहाँ देखो मैंने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 16 प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट की, ये देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी 16 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से इसको मैं नंबर दे देती हूँ 1, ठीक है, यहाँ बिकॉज 1 लिख देती हूँ। सो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 16 प्लस वाई स्क्वायर लिखा, ठीक है। सो वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल, सो 6y प्लस 9, सो 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6y 41 माइनस 9। सो 41 में से 9 गए तो कितने बचे, सो 2
32. सो 6y इज इक्वल टू 32. सो y कितना आया, 32 अपॉन 6. कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा. सो y इज इक्वल टू 16 अपॉन 3. ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए. तो यहाँ 16 अपॉन 3 की वैल्यू डाल दो तो आपको x भी मिल जाएगा. सो वैल्यू डालते हैं. सो y इज इक्वल टू 16 अपॉन 3. सो इसमें बाय वन, वन में वैल्यू डालते हैं, बाय वन. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर. बाय वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर. सो देयर फोर वाई की वैल्यू क्या है, 16 अपॉन 3. सो एक्स स्क्वायर 16 प्लस 16 अपॉन 3 का स्क्वायर. सो देयर फोर एक्स स्क्वायर 16 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256. करके देखते हैं, 16 16 जा, सो 1 6 जा, 1 1 जा, 6 6 जा, 36, 6 7 8 9. ठीक है, सो 256 हुआ अपॉन 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, 16 का स्क्वायर 16 16 जा, 3 3 जा, 9. ठीक है, सो देयर फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 69 जा क्या होगा, 144 प्लस 256 अपॉन 9. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो 144 और 256 को प्लस करो, 6 और 4 10, 5 और 4 9 प्लस 1 10. सो 2 3 4, सो 400 अपॉन 9. सो एक्स स्क्वायर, अभी स्क्वायर का सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. सो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 400. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, और 2 0 का 1 0. 100 का क्या होता है, 10, वही हुआ ना. अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3. सो एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 3. कैसे फाइंड किया फिर से देख लेते हैं. सिंपली पहले सपोजिशन किया, भाई फिगर थी ऐसी थी तो पहले पहले तो सपोजिशन किया. सो टी पी इज इक्वल टू एक्स, टी आर इज इक्वल टू वाई. फिर ये इस पे राइट, इस पे पाइथागोरस लगाया, इस पे पाइथागोरस लगाया, फिर लास्ट में इस पे लगाया. सो जब इस पे लगाया तो हमें कुछ ऐसा मिला. फिर एक्स स्क्वायर हमने वैल्यू डाल दी, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो दी हुई ये है, वाई वन हमने डाल दी. ठीक है, सो वाई हम फाइंड कर लिया. वाई पर हमें वाई नहीं, हमको तो एक्स चाहिए, हमें तो टी पी चाहिए. वाई नहीं चाहिए, हमें तो टी पी चाहिए. सो टी पी कैसे मिलेगा, इसी में ही आप ये वाई मिला तो वाई की वैल्यू 16 अपॉन 3 हमने डाल दी. सो 16 अपॉन 3 डाली, सो यहाँ हमने सारा सॉल्व किया 16 अपॉन 3 वैल्यू डाल के, और हमें फाइनली 20 अपॉन 3 आंसर मिला. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. सो ये भी आपको 1 टाइम क्लास वर्क और 2 टाइम होमवर्क करना है. बच्चों अभी एक्सरसाइज 10.2 का हम एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक एमसीक्यूज़ है. सो यहाँ हमें ऑप्शन भी चूज करना है और जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन इन द सेंस हमें सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन 1 बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट है, उससे द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. क्यू पॉइंट से लेंथ टेंजेंट है 24 सेंटीमीटर, और इसी क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, 7, 12, 15, 24.5. सो इन चारों में से ऑप्शन चुनना है. सो पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से. सो क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आसानी रहेगी. फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. सो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, सो देखो ये सर्कल बना दिया है ओ सेंटर,
सो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, सपोज क्यू यहाँ पे है पॉइंट, सो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, सो टेंजेंट कुछ ऐसे बनता है, ठीक है. सो ये टेंजेंट बना सर्कल पे, सो ये टेंजेंट है, सो टी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25. सो डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सो सेंटर से क्यू का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल का क्या होगा, ठीक है. सो क्या होगा, सो यहाँ देखो ये है क्यू टी टी ओ. सो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है. सो इन ट्रायंगल क्यू टी ओ, ये कैसे आया, बाय थ्योरम 10.1, ठीक है. सो इन ट्रायंगल क्यू टी ओ एंगल टी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है. सो ओ क्यू क्या है, 25 का स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर. सो 25 जा 625, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 जा 576 आई थिंक सो. सो 625 में से 576 के तो कितने बचे, ये ओ टी स्क्वायर इधर से 576, सो 625 में से 576 के तो 49 बचेंगे. सो 49 625 576 11 में से 7 4, सो 49 इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर. सो देयर फोर ओ टी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है. सो देयर फोर ओ टी इज इक्वल टू 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर. सो ये हुआ हमारा ओ टी का रेडियस. इसने हमसे रेडियस पूछा है कि भाई रेडियस, तो ये रेडियस ही हुआ ना ओ टी, ठीक है. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, सो करेक्ट ऑप्शन ए है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखते हैं सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन है इन फिगर 10.11, ये इन्होंने फिगर दे दी है 10.11, टी पी टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं, सर्कल का सेंटर ओ है, सो दैट पी ओ क्यू 110 डिग्री है. सो पी ओ क्यू कितना है, 110. देन पी टी क्यू, पी टी क्यू कितना होगा. अब यहाँ देखो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी सम है. देखो जहाँ टेंजेंट बनते हैं वहाँ 90 डिग्री हो जाता है, क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री होते हैं. सो यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है. सो ये क्या है, पी टी क्यू ओ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का टोटल क्या होता है, 360 डिग्री. तो सबका टोटल करो, 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस टी तो फाइंड करना है, प्लस 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 360. सो ऐसे करने से आपको टी मिल जाएगा. दिस इज़ अ वेरी सिंपल सम, एक मिनट में हो जाएगा आपसे ये. सो बच्चों यहाँ देखो ये 110 डिग्री दिया हुआ है. सो मैंने आपको कहा कि भाई रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है बाय थ्योरम 10.1, ये भी 10.1 से. सो रहा ये, सो इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, इन ओ पी टी क्यू एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस क्यू टी पी प्लस टी पी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो देयरफॉर पी ओ क्यू क्या होगा, 110 डिग्री
OQT 90, QTP फाइंड करना है, TPO 90, ठीक है। सो 110 और 90 कितना होगा, 200, 290 प्लस QTP, सो QTP 360 में से 290 है, सो कितना आया QTP, 70 डिग्री। सो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर, इफ टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। देखो पी ए पी बी टेंजेंट है पी से, सेंटर ओ है और 80 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं, तो पी ओ ए सेम ऐसा ही सम है। यहाँ इन्होंने फिगर दी है, यहाँ आपको फिगर खुद बनानी है। देखो पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 80 डिग्री, सो जहाँ मतलब यहाँ आपको 80 डिग्री करना है, पी ओ ए फाइंड करना है, ठीक है। सो फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगी। सो उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, थर्ड नंबर की क्वेश्चन है, टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट पी। सो देखो सर्कल विथ सेंटर ओ बना रहे हैं और बोल रहा है टेंजेंट्स पी ए पी बी, सो यहाँ से ये पी, सो पी ए पी बी, ठीक है। पी ए पी बी टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, सो दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइन होते हैं और एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। सो ठीक है, सो यहाँ देखो इस तरह से और ये, ठीक है। सो ये देखो रेडियस है, ये जो रेडियस है, देखो ये जो रेडियस है ये किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। सो ये हमें फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड ईच अदर, देन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए, सो पी ओ ए तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी, तो पी ओ ए कितना होगा। सो यहाँ देखो पहले तो ये सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है, पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो उसका टोटल क्या होगा, 360। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, ठीक है। सो 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। सो 90 और 90 कितने होंगे, 180, 180 और 80 कितना होगा, 260। सो 260 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो माइनस किया तो क्या आया, 100 डिग्री। सो एओबी क्या आया, 100 डिग्री आया, ठीक है। अच्छा तो पर अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए ओ पी, फाइंड करना है क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए ओ पी।
सो देखो दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं। दो ट्रायंगल्स लिए, यहाँ देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, पहले तो कॉमन ओपी इज इक्वल टू ओपी, फिर ये ए इज इक्वल टू बी 90 डिग्री, और ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है, रेडियस। ठीक है, रेडियाई मतलब प्लूरल। सो देयर फोर ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ। ठीक है, सो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ए पी ओ और बी पी ओ कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इसका मतलब क्या होगा, उसका एक एक पार्ट इक्वल है। ठीक है, सो ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी। ठीक है, सो देयर फोर ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो यहाँ देखो साइड एंगल साइड, ये सास थ्योरम से हो गया। देखो साइड एंगल साइड, या तो आरएचएस भी बोल सकते हो, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, सो आरएचएस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आरएचएस रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रेंट हुआ, सो ये कॉन्ग्रेंट हुआ, सो उसका एक एक पार्ट इक्वल हुआ, तो ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी। ठीक है, सो ये ए ओ पी और बी ओ पी के मिलने से क्या बन रहा है, ए ओ बी। नाउ ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ पी प्लस बी ओ पी, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए ओ पी ही फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, ए ओ पी देखो 100 दिया हुआ है तो 100 लिख देंगे, और यहाँ देखो ये हमने ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी फाइंड किया ना, ये अभी काम आएगा हमको। ठीक है, तो बी ओ पी की जगह क्या लिख देंगे, ए ओ पी इज इक्वल टू ए ओ पी, बी ओ पी की जगह क्या लिखेंगे, ए ओ पी। सो देयर फोर 100 डिग्री ए ओ पी प्लस ए ओ पी, मतलब 1 AOP प्लस 1 AOP कितना होगा, 2 AOP। सो देयर फोर 100 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू ए ओ पी, सो देयर फोर 2 1 जा 250 जा, सो देयर फोर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, सो ए ओ पी कितना हुआ, 50 डिग्री। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, सो इस तरह से सॉल्व करना है, पहले तो ये तो पता ही है, पहले भी किया था, इन दोनों को बस कॉन्ग्रुएंट बता दिया, फिर बोले कि ये तो इक्वल है, फिर इक्वल है तो इसलिए 50 50, आधा आधा, मतलब 100 था टोटल, सो वो भी हमने मेथड से किया। सो दिस वॉज द थर्ड एमसीक्यू। बच्चों अब फोर्थ नंबर देखते हैं, ये एक प्रूफ दैट है। सो फोर्थ नंबर बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, कि प्रूव करो कि हम जो टेंजेंट्स बनाएंगे किसी भी सर्कल के डायामीटर के एंड पे तो वो पैरेलल होंगे। आपको ये प्रूव करना है कि आप जो टेंजेंट बनाओगे किसी भी सर्कल के डायामीटर के एंड्स पे तो वो होंगे पैरेलल। सो ये आपको प्रूव करना है। सो अब आप क्या करोगे, सिंपली ड्रॉ द फिगर, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो एंड प्रूफ लिखो। ठीक है, सो आपको इन शॉर्ट पैरेलल प्रूव करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पैरेलल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, अगर याद आ रहा हो 7th 8th में पढ़ के आए हो, किन्हीं भी दो लाइंस को पैरेलल बताने के लिए हमें उसे ऑल्टरनेट एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरह से कुछ बताना पड़ता है। अगर आप ऑल्टरनेट एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब बता दो
तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल, ये सब हम छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हैं। सो ये वाला क्वेश्चन 2012 सीबीएसई में आया है, सीबीएसई के 2012 वाले एग्जाम में। सो क्वेश्चन ये रही फिगर, मैंने फिगर अभी अभी बनाई है। सो फिगर देखें कैसे बनाई है मैंने। सिंपली आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सो मैंने पहले सर्कल बना दिया है, फिर ये टेंजेंट्स बनाए हैं, ये एक टेंजेंट ये दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायामीटर। ये डायामीटर होता है, डायामीटर क्या होता है, वो लाइन जो कि सर्कल से पास हो। सो ये डायामीटर है और ये है टेंजेंट्स, और इन्हें ये दो पैरेलल है ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन पी क्यू इज डायामीटर ऑफ गिवन सर्कल, ओ इज इट्स सेंटर, और क्या दिया हुआ है, टेंजेंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी डी, ठीक है। सो ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, टेंजेंट्स हैं। सो टू प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। सो प्रूफ से स्टार्ट लेंगे, फिगर की तरफ तो ध्यान होना ही चाहिए। प्रूफ, सो क्योंकि आपको पता है कि रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के, इसका मतलब ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, या तो बोल सकते हो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। सो और पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दोनों के परपेंडिकुलर है पी पी क्यू, ठीक है। सो टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, सो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, देखो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, या क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो कैसे भी लिख सकते हो, सो देयर फॉर क्यू पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, सो क्या हुआ, पी क्यू अगर परपेंडिकुलर है तो, सो देयर फॉर पी पी क्यू डी, सो देयर फॉर पी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। सो देयर फॉर क्यू पी ए इज इक्वल टू पी क्यू डी, ठीक है। देखो कैसे, ये क्यू पी ए पी क्यू डी, सो आपको दिख रहा है ये क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जेड बनाते हैं, देखो, ठीक है। सो बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल। सो देयर फॉर ए बी पैरेलल सी डी, मतलब आपको पैरेलल प्रूव करना था। सो हम किसका फंडा लाए, हम फंडा लाए ऑल्टरनेट एंगल्स का, हमने ऑल्टरनेट एंगल्स का क्राइटेरिया यूज किया, कैसे, सिंपली टेंजेंट्स तो परपेंडिकुलर होते ही हैं रेडियस के, सो हमने इस तरह से इसको पैरेलल लास्ट में प्रूव कर दिया।
सो ये वाला भी वन टाइम क्लास वर्क करना और टू टाइम्स होमवर्क। फिफ्थ नंबर देखो बच्चों, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वो किससे पास होता है, सेंटर से पास होता है। सो एग्जैक्टली इसको पढ़ के अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे एंड गिवन टू प्रूफ करेंगे। सो सिंपली क्या बोल रहा है कि भाई जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये पी है, टू द टेंजेंट, जो ये परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट है, सो पासिस थ्रू द सेंटर। सो ये परपेंडिकुलर किससे पास हो रही है, सेंटर से। सो हमें यही प्रूव करना है कि ये जो पास हो रही है वो सेंटर से पास हो रही है, किसी और पॉइंट से पास नहीं हो रही है। सो जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हम उल्टी चीज बोलेंगे, हम कहेंगे नहीं कि ये किसी और से भी पास हो सकती है, सपोज क्यू, ठीक है, ये हमारा सपोजिशन है। हम कह रहे हैं कि नहीं, ये परपेंडिकुलर सेंटर के अलावा क्यू से भी पास हो सकती है, ठीक है। सो पहले गिवन लिख देंगे, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर ओ, और क्या लिखेंगे, टेंजेंट ए बी टचेस द सर्कल एट पी, ठीक है। सो हमें क्या प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास हो रही है, तो हम सपोज करेंगे कि क्यू बी है, तो क्या लिखें, अच्छा पहले टू प्रूव, टू प्रूव क्या लिखना है, टू प्रूव हमें पास प्रूव करना है कि पासिस थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर, मतलब ओ पी पासिस थ्रू ओ, ओ पी पासिस थ्रू ओ, ठीक है। सो प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, प्रूफ सो सपोजिशन से, सपोजिशन से ही चालू करेंगे। लेट, देखो ये ओ है, पी है, ए बी है, हम क्या सपोज कर रहे हैं, क्यू मैंने पहले ही बताया था। सो लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए बी, सच दैट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओ, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओ, ठीक है। जॉइन ओ पी ठीक है। सो अब क्या करेंगे, टेंजेंट आपको पता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ठीक है, थ्योरम 10.1 ने बोला था। सो नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। सो टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस के, सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू दैट पॉइंट, ये तो आपको पता ही है, ये एक थ्योरम है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, ठीक है। सो ए बी परपेंडिकुलर टू ओ पी, सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। सो ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको वन दे देते हैं, बट बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या माना है कि भाई ये पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी के, बट हमने अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया, बट बाय कंस्ट्रक्शन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू
ए बी, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, सो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू पी बी 90 डिग्री। सो देखो इसको वन दिया और इसको दिया सेकेंड, सो अब क्या करेंगे, बाय वन एंड टू, ये भी 90 है ये भी 90 है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। सो बाय वन एंड टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। पर ओ पी बी और क्यू पी बी कब हो सकता है, देखो ओ पी बी और क्यू पी बी इक्वल कब हो सकता है, जब ओ और क्यू सेम हो, एक हो। सो ये कब हो सकता है, ओ पी बी और क्यू पी बी, सो इट इज पॉसिबल ओनली वेन, इट इज पॉसिबल ओनली वेन ओ एंड क्यू आर कोइंसाइड, ठीक है, मतलब ओ और क्यू कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पे होंगे, तो जो आप बोल रहे हो कि बाकी की दो भाई इक्वल होनी चाहिए, सो वो पॉसिबल तभी होगा जब ओ और क्यू कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। सो बस फाइनल आंसर आ गया, ओ और क्यू है ही एक, हमने क्या बोला कि ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में है वो सेम टू सेम, ठीक है। सो यही हमारा ये सम पूरा हुआ, ठीक है। सो दिस वॉज फिफ्थ नंबर, पूरा थियोरी टाइप ही था, सिंपली आपने बोला कि भाई ये परपेंडिकुलर है, फिर बोला कि भाई पी क्यू भी ले सकते हैं पी ओ की जगह, सो पी क्यू लिया, सो पी ओ ये 90 डिग्री है पर पी क्यू 90 डिग्री नहीं बनाता। सो हमने क्या बोला कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, सपोज ये दोनों इक्वल हैं, हमने अभी अभी प्रूव किया, सो इक्वल हैं तो पॉसिबल कब होगा, जब इक्वल है पॉसिबल कब होगा, जब ओ और क्यू इक्वल हो कोइंसाइड हो तब, ठीक है। अभी सिक्स्थ नंबर देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक्चुअली 1 मार्क का सम है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिक्स नंबर में सिंपल वैल्यू बनानी है, वैल्यू डालो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो सिक्स्थ नंबर, सो सिक्स्थ नंबर देखते हैं, सिक्स्थ नंबर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, पहले तो ये ओ है सेंटर ऑफ सर्कल, सो फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज यहाँ है पॉइंट ए और हमें बनाना है टेंजेंट, सो ये टेंजेंट बना, सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल कितना है, ये सेंटर ऑफ सर्कल और ये, सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है, टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो आपको रेडियस मतलब ये ओ टी फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो ये सीधा सीधा 90 डिग्री बन रहा है, सो इन ट्रायंगल ओ टी ए एंगल टी 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए टी ओ एंगल टी 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है, सो एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एओ स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस टी ओ स्क्वायर। सो एओ क्या है, फाइव का स्क्वायर, ए टी क्या है, फोर का स्क्वायर, और टी ओ फाइंड करना है। सो फाइव का स्क्वायर क्या होगा, फाइव फाइव जा 25, फोर का स्क्वायर फोर फोर जा 16 प्लस टी ओ स्क्वायर। ठीक है, सो देयर फोर 25 माइनस 16 इज इक्वल टू टी ओ स्क्वायर। सो 25 से 16 गए 9, सो देयर फोर टी ओ उधर जाएगा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 से पढ़ते आ रहे हो, 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो देयर फोर टी ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो कि ये रेडियस भी है। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टूडेज लेक्चर। जस्ट डू द क्लास वर्क वेरी 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 प्रॉपरली, एंड मैंने जो बोले हैं जो टू टाइम्स लिखने हैं वो लिखना। सो इससे आगे वाला सिर्फ वन टाइम क्लास वर्क वन टाइम होमवर्क ही करना, वन टाइम क्लास वर्क प्लस वन टाइम होमवर्क। ठीक है, सिक्स्थ में भी ऐसे ही करना, वन टाइम क्लास वर्क वन टाइम होमवर्क। ठीक है, और एक्स्ट्रा सम्स होमवर्क में दिए हैं वो भी कर लेना है, एक्स्ट्रा सम्स इन द सेंस रिपीट करने हैं आपको सम्स। ठीक है, सो सी इट प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एंटायर वर्क एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।